प्यारे बच्चों, महर्षि दयानंद सरस्वती शिक्षण संस्थान परस्पर द्वारा संचालित महर्षि क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए, ये वीडियो क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चों के लिए है। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लाई। आपको हम ऐड एंड सबट्रैक्ट का वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, आज हम आपको सिखाएंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। सपोज दैट आपको एग्जांपल मिल गया 3 2, किसका टेबल मिल गया 2 का, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो आइए 2 का टेबल हमें 2 बार पढ़ना है और 2 का टेबल हमें 3 बार पढ़ना है। ये जो नीचे इसके डिजिट लिखे हैं, ये टेबल है, किसका टेबल है, ये 2 का टेबल है। और ये जो ऊपर डिजिट लिखे हैं, इसमें देखना है कि हमें कितनी बार पढ़ना है। तो 2 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना है, 2 बार। इसमें कोई भी डिजिट हमें दूना हो जाती है या कितने भी पैसे हमको मिले हम उसका डबल कर देते हैं, दूना कर देते हैं। मल्टीप्लाई में ऐसे होता है, बार बार मल्टीप्लाई, बार बार गुणा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं। तो 2 2 4, आप फिंगर निकाल के टेबल पढ़ेंगे कहीं गलती ना हो। तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ना है, तो 2 1 2 2 2 4, तो ये हम 4 लिखेंगे। अब 2 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, तो 2 1 2 2 2 4, 2 3 6, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 5 3, और किसका टेबल लेंगे, 3 का। यहाँ पे हमें किसका टेबल मिल गया, 3 का। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 3 9, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 9। विदाउट कैरी का हम अभी सीख रहे हैं, इसके बाद जब हम डिवाइड भी आपको सॉल्व करवा देंगे तब कैरी का ऐड, कैरी का सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पुनः एक बार हम आपको कैरी वाला सिखाएंगे। तो पहले आप विदाउट कैरी ही सीखिए। तो यहाँ पे 3 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, 5 फिंगर निकालेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 5 15, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 15। आइए और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, 5 2 4 का टेबल ले लेते हैं। अब 4 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 2 फिंगर निकालेंगे, 4 1 4, 4 2 8, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8। अब 4 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 5 बार, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, हम यहाँ पे 20 लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको टेबल 2 से लेकर 10 तक जरूर याद होना चाहिए। जितने बच्चों को टेबल नहीं आएगा वो मल्टीप्लाई नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आप टेबल याद करिए और कॉपी में कई बार उसको लिखिए, तब आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।